प्रदेश में जहां एक तरफ विधानसभा सत्र में एससी एसटी के लोगों के साथ हो रहे शोषण पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो रही है और दलित लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विपक्ष सत्तासीन सरकार को घेरने में लगा है, वही सोलन में महर्षि वाल्मीकि की तस्वीरें खाना खाने वाली पत्तलों में फोटो के रूप में छपी मिली हैं, जिसके बाद से वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिला। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत पुलिस में की। जानकारी के मुताबिक सोलन के बाईपास पर एक रेहड़ी पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीरों वाली पत्तलों में खाना परोसा जा रहा था। जैसे ही वाल्मीकि समाज के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने रेहड़ी वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और सख्त कार्यवाही की मांग की। वाल्मीकि समुदाय के लोगों का कहना है कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है, शरारती तत्वों द्वारा समाज को असंगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारा एक व्यक्ति दोरी द्वाल सोलन स्थित में मटन की दुकान पे गया। वहाँ उसने वहाँ से सब्जी खरीदी। वहाँ जब उसने देखा कि मटन की दुकान वाले ने उसको पत्तल के ऊपर जो उसमें किया है, वो पत्तल पे, ये पत्तल मेरे सामने है, इस पे महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की फोटो साक्षात दिखाई गई है। हमारा पूरा वाल्मीकि समुदाय जब हमारे इसके जहन में आया, हमारी नॉलेज में आया, हम सारे इकट्ठे होके पुलिस चौकी आए। यहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और शोक व्यक्त किया और दुख भी व्यक्त किया कि हमें बड़ा दुख है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान जो कि सृष्टि रचेता हैं, उनको उन्होंने इस प्रकार पत्तलों पे उनका चित्र दे के उनको अपमानित किया है। मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि इस प्रकार के तत्वों को प्रशासन और हमारा समाज और अन्य समाज जो है सख्त से सख्त सजा दें, ताकि उसको आगामी समय में सबक मिले, वो इस प्रकार की कार्रवाई करने से परहेज करें। इस प्रकार के तत्व जो समाज में आए हुए हैं वो हमारे को संगठित करना चाहते हैं और समाज में असंगठित करने के समाज में जो है वो संकट पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन तत्वों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इस बारे एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि देर रात पुलिस चौकी सपरून में वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की फोटो खाना खाने वाली पत्तलों में फोटो के रूप में छपी है। उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। देखिए, कल सपरून चौकी में हमें शिकायत पत्र मिला जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसमें बताया कि उनको कुछ कागज़ की प्लेटें में कुछ आपत्तिजनक तस्वीर या जिन पर उनको आपत्ति है, इस तरीके में प्लेटें मिली, तो उनकी शिकायत पे हमने टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया और हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है 295 ITC में, और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी सामने आएगा हम कार्रवाई करेंगे। BLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।